करने के बाद कि मेरा और मयंक का कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है हमारे बीच, क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या उन्होंने जो किया वो सब वापस हो जाएगा? क्या मैं अपने मम्मी डैडी की बेटी हो जाऊंगी फिर से? नहीं ना विक्रम, ऐसा नहीं है और नहीं होगा। इधर आओ और देख खुद को शीशे में। राधे खुद से नजरें मिला और बता कि किसका फायदा हो रहा है। राधे बोल, इससे किसका फायदा होगा? बता राधे क्या चाहती है तू? जो कुछ भी तेरे दिल में है बोल राधे। बोलो दी, बोलो। बोलो आराधना, बोलो। बता क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि वो आए और सबके सामने बोले कि वो गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वो कहे कि मैंने अपने बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश नहीं की। देखो तुम्हारे दोस्त का असर क्या बना दिया इसे, चीजें तोड़ने लगी है ये अब। और कुछ तोड़ना है तो अब आगे क्या करना है? रियांश से सबके सामने बुलवाना चाहती कि वो गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे मम्मी डैडी के पास जाके बोले कि आराधना की कोई गलती नहीं थी। मैंने आराधना पे गलत इल्जाम लगाया, मैं बस उसे बदला लेना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने आके ये कहे कि उसने अपनी जलन के लिए मेरी जिंदगी में आग लगा दी। अपना होता है और पराया पराया। अगर निकली तो तुम अपने माँ की, तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो। निकल जाओ इस घर से, गंदा खून आके गंदा होता है। शर्मा जी और मित्तल साहब घर चले गए, उनसे माफी मांगी मैंने। अब क्या करेंगे भक्ति? माफी तो मांगनी थी ना डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया काम करा आपने जो समाज से माफी मांगी, बहुत बढ़िया करा। आखिर ये समाज और दुनिया से ही तो आपका रिश्ता है, इन सब से माफी मांग ली, पर मुझसे? मुझसे कौन माफी मांगेगा? आज आपने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। दी तुम ये बहुत अच्छा कर रही हो, और मयंक के नेचर को तो मॉम डैड पहले से जानते हैं, और जब वो कृष्णन के मुंह से सुनेंगे कि तुमने ये सब उसकी बहन के लिए किया है तो देखना उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? क्या मेरी मम्मा मेरी अपनी हो जाएंगी? मिसेस सहान मेरी सगी मम्मा बन जाएंगी? नहीं ना जागृति, ये सच मेरी लाइफ का ऐसा सच है जो कोई भी सफाई किसी भी स्टोरी से नहीं बदलेगा। बोलिए ना डॉक्टर साहब, इस इज्जत भरे नाम से जब दुनिया आपको बुलाती है तब अच्छा लगता है आपको? समाज में अपनी जगह का अंदाजा होता है ना? यही आपकी पूंजी है। और मेरी पूंजी? मैंने क्या कमाया? मेरी बेटियां, और आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली। दी तुम उनका खून नहीं हो, पर तुम उनकी बेटी हो, और यही बात तुम्हें याद रखनी है। और रही बात मॉम डैड की, तो वो तुम्हारे बिना ना खा सकते, ना उठ सकते और ना ही जी सकते हैं। दी ये सब बस एक तूफान है, इसे प्लीज पास होने दो। थम गया तूफान और उजड़ गया सब। मेरी दी हार मानने वालों में से नहीं है। तुम कब से गिव अप करने लगी? जागृति कहानी का एक हिस्सा ये भी है ना दी, और मुझे लगता है कि एक हिस्सा मैं सामने ला सकती हूँ। जिस दिन आराधना को मैंने अपनी गोद में लिया पहली बार, तब से लेके आज तक आपने हमेशा मुझे उस गलती का एहसास दिलाया है। जब आराधना अच्छी तो आपकी बेटी, और जब बुरी तो मेरी गलती। आप हमेशा कहते हैं आराधना मेरी बेटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, पर एक पल के लिए भी आपने मुझे ये कभी भूलने नहीं दिया कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है। शायद आपके लिए आसान होगा ये, एक पिता के लिए ये फर्क आसान होगा, पर मैं तो एक माँ हूँ। मेरे लिए आराधना मेरा सब कुछ थी, मुझे माँ उसने मनाया, मुझे माँ का दर्जा उसने दिया। वो भले मेरे कोख से नहीं आई थी, मेरे दिल से आई थी। भक्ति मैं समझता हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते। अगर यही गलती जागृति करती तो क्या करते आप? उसे भी घर से बाहर निकाल देते आप? नहीं ना, या उसे भी परवरिश और खून के लेक्चर झाड़ते? थी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आई थी मम्मा के नाम से, पता नहीं कोई मिम्मी थी। कौन है ये मिम्मी और मम्मा को क्यों लिख रही है? और पता है दी, जब मैंने मम्मा से पूछा तो वो ऐसे घबराई जैसे पता नहीं। तो हो सकता है कि उस चिट्ठी में कोई क्लू हो।
यानी उसमें आराधना की रियल मॉम या जो भी वो औरत है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मम्मा ने वो चिट्ठी छुपा दी या फेंक दी, लेकिन दी मैं पता लगाऊंगी। तूफान में तुम्हारी जिंदगी के जो जो हिस्से बिखरे हैं ना, उसे समेटने का वक्त आ गया। और मुझे पता है इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी कर सकती है। क्या आपके दिल में इतनी कम जगह है डॉक्टर साहब कि आपसे अपनी बेटी की गलती के लिए माफी नहीं मिल सकती? कब डिसाइड किया आपने कि आपके समाज में आपकी इज्जत मेरी ममता से बढ़ के है? आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली है। आपने जो किया है वो कभी ठीक नहीं होगा, किसी भी माफी से नहीं होगा। आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली है, मुझसे माफी कौन मांगेगा? बेटी मैंने भी खोई है भक्ति, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने जो किया है वो माफी के काबिल। दी आप ये कृष्णन और ग्रेवती से बात करिए, ये मयंक का सच सामने लाओ, और मैं आपकी रियल आपको जन्म देने वाली मॉम को ढूंढती हूँ। तो सच में मेरी बहन है। पीछा छुड़वा के तो देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों आए हो यहाँ? अंकल मैं आपसे माफी मांगता हूँ, देखिए जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। मैंने अपने ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करवाया है, जिसने भी किया है ना, आई प्रॉमिस मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें तुम्हारे माफी की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जिस किसी ने भी लीक किया, बना तो तुम दोनों की वजह से। हम लोगों ने जो देखा उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ तुमने किया, आराधना ने किया। अंकल आप सही कह रहे, जो हुआ है उसे मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे अपने चैनल पे माफी जरूर मंगवा सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ। अन्ना वैसे शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अन्ना के साथ इतना बड़ा केस हो गया है। I want to help her. आखिर उसने मेरी कितनी हेल्प की है? But जब she needed... You don't understand that. तुम उस सटकू बॉस को नहीं जानती, उसने मुझे जान से मारने का धमकी दिया। मुझे नहीं पता कि वो आराधना को ऐसे एक्सपोज करने के चक्कर में क्यों है। तुम बस चलो मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज में इन्वॉल्व ना हो। गाड़ी में बैठो अभी के अभी। राधी ये तो लॉक्ड है, ताला लगा के निकल गए, पर क्यों? ऑब्वियस है ना दादी, डर गया होगा रियांश के गुस्से से, डरपोक भाग गया होगा। क्यों किया तुमने? रे, where were you? Did you not see my missed calls? रे, रोकना होगा इसे, this is some next level. तुम रोकोगी? ये तुमने किया है, that's your fault. Excuse me? Excuse? वो चिप मैंने तेरे को दी थी, इसमें वीडियो है, ऐसी कोई भी कॉपी नहीं है, जितना दिखाना था दिखा दिया, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। कहाँ था डिस्ट्रॉय कर दो? लीक कैसे हुई? तो तुझे लगता है, रे तू मुझे ब्लेम कर रहा है, really? Of course ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो वीडियो सिर्फ तेरे पास थी। तू आराधना से जलती थी, तुझे लगा यही सही मौका है, आराधना को बदनाम कर देते हैं और फिर रेकी क्लोज हो जाएंगे, राइट? यू हैड अ क्रश ऑन मी, इसलिए तुमने ये सब किया, राइट? ये सब करने की क्या जरूरत थी, सीधे बोल देती, दिस वाज अ गेम प्लान। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सुने ना? बात कर रहा हूं मैं तुमसे। सुना मैंने, तू मुझे कब से जानता है रे? आज तक तेरी बकवास झेलती आई हूँ मैं, 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, सीनियर थी मैं, फिर भी तूने कंसिडर नहीं किया, आज घटियापन दिखाई दिया तूने। मतलब मैंने सब इमेजिन किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं तुझे कोई क्लैरिफिकेशन कोई सफाई नहीं दूंगी, आई क्विट। एक्सक्यूज मी, यू क्विट? आई फायर यू, यू फायर्ड। आई एम द फ्रिकिंग एचआर हेड ऑफ दिस कंपनी, अपनी सैलरी के साथ ना लॉयल्टी दिखाना चाहती हूँ। अगर तूने मुझे फॉल्स एलिगेशन लगाकर गलत चार्जेस पर इस कंपनी से निकालने की कोशिश की ना, नुकसान तेरा ही होगा रे, यू हैव टू पे अ लॉट टू मी। इसलिए बोल रही हूँ, सस्ते में मुझसे पीछा छुड़वा ले, पार्टिंग गिफ्ट देकर जा रही हूँ मैं तुझे, आई क्विट। एंड यू नो व्हाट, थैंक यू फॉर दिस हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन, आई विल नेवर फॉरगेट इट।